गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज आई टॉट यू इन लास्ट क्लास अबाउट BMI अलॉन्ग विथ WHR. WHR इट मीन्स वेस्ट हिप रेशियो. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट बॉडी टाइप्स आर सोमैटोटाइप्स. सो एज वी नो अबाउट इट दैट सोमैटोटाइप इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स शेप एंड फिजिक. फिजिक इट मीन्स बॉडी. इट वॉज डेवलप बाई WH Selden. ही क्लासिफाइड इट ह्यूमन बॉडी इन टर्म्स ऑफ 3 एक्सट्रीम बॉडी टाइप्स, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक. एज यू नो अबाउट दैट बॉडी टाइप्स, आई एम डिस्कसिंग हियर Body types. It was developed by W.H. Selden, no doubt. But I am talking about the person who is. There are so many psychologists. Those who have described it in different way. In different way, it means physical dimension, mental dimension, social dimension. Along with psychological dimension. और इसके अलावा personality को या हमारी body को 3 भागों में बांटा गया है. एक introvert होता है, दूसरा ambivert होता है और तीसरा extrovert होता है. तो तीनों types, introvert जो होता है ऐसे लोग जो अपने आप में ही सीमित रहते हैं, उनका behavior, उनका जो रहन सहन है वो अपने आप में ही होता है. ambivert the people who interact with other people, not too much but little amount, means you can count on fingers. And extrovert, such type of person are very good person, they always interact with other known or unknown person. That will not in your syllabus, but in certain classification, endomorphic, mesomorphic and ectomorphic. So let us स्टडिंग अबाउट इंडोमॉर्फिक. इंडोमॉर्फिक पर्सन इज जनरली स्टॉकी एंड लार्ज राउंड बॉडी और टीयर शेप्ड बॉडी. ऐसे लोग जिनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, ठीक है, जिनका गला छोटा होता है, जिनके आर्म छोटे होते हैं, जिनके पैर छोटे होते हैं और उनके शरीर में ढेर सारा फैट होता है, ऐसे लोग के अंदर एंडोरेंस की कमी होती है, स्पीड की कमी होती है और एजिलिटी की कमी होती है. ऐसे लोगों के शरीर में स्ट्रेंथ की भरपूर मात्रा होती है और ऐसे लोग जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के गेम में सफल होते हैं. जैसे जो कम हाइट के लोग होते हैं वो जो है स्पेशली वेट लिफ्टिंग है या जूडो है या ऐसे और गेम हैं जिनमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है, रेसलिंग है, इन सब गेमों में वो सफल होते हैं. और ऐसे लोग ऐसे स्पोर्ट्स में नहीं सफल होते हैं जहां पावर की रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया या रेशा कदर गेम्स हो गए, वहां इनकी जो प्रतिभा होती है उनको यूटिलाइज तो किया जा सकता है बट वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं. दूसरा टाइप है मेसोमॉर्फिक. ऐसे लोग जिनकी मीडियम हाइट होती है, जिनके ऊंचाई मीडियम होती है, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होता है और इनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं से देखने पे कुछ भी अलग नहीं लगेगा आपको, और इनके अंदर स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी पूरी की पूरी होती है बट जो एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एवरेज होती है. और ऐसे लोग हर गेम में सफल होते हैं. ऐसे लोग चाहे उनको वॉलीबॉल खिला लीजिए, चाहे फुटबॉल खिला लीजिए, चाहे बैडमिंटन खिला लीजिए, चाहे एथलेटिक के गेम में पार्टिसिपेट करवा दीजिए, एवरीवेयर दे विल गेट सक्सीड. सब जगह उनको सफल होंगे. और ऐसे लोग हर जगह, एवरीवेयर यू फाइंड दैट दे आर गुड ऑल्सो इन बिहेवियर. ऐसे लोग बिहेवियर में भी अच्छे होते हैं. ऐसे लोगों के अंदर वो सब कुछ मिल जाएगा जो एक मीडियम क्लास आदमी में मिलना चाहिए.
नेक्स्ट पॉइंट विल बी हियर एक्टोमार्फिक. एक्टोमार्फिक इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ बॉडी बॉडी टाइप्स. ये लोग ना छोटे होते हैं ना मीडियम हाइट के होते हैं. ये लोग बहुत लंबे और बहुत पतले होते हैं. इनका फोरहेड काफ़ी हाई होता है. इनकी भुजाएं और पैर काफ़ी पतले होते हैं और इनकी जो मसल होती है वो कमज़ोर होती है और इनके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है. और जितने भी गेम होते हैं सारे गेम तो में ये नहीं सफल होते हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस वॉलीबॉल बास्केटबॉल ऐसे गेम में ये काफ़ी ज़्यादा सफल होते हैं और ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसे गेम के लिए सूटेबल भी होता है क्योंकि यहाँ हाइट की रिक्वायरमेंट होती है और हाइट वाले गेम में जहाँ हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ इन लोगों को इसलिए कि ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ता और वो आराम से सफल हो जाते हैं. जैसे वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो नेट की हाइट ही 2.43 मीटर होती है, तो वहाँ पे ये अपना जो एबिलिटी है उसे परफॉर्म कर सकते हैं. बास्केटबॉल है, बॉल को बास्केट में डालने के लिए लगभग 3 मीटर उसकी हाइट होती है और जिसकी हाइट खुद ही लगभग 2 मीटर होती है तो वो उनको ज़्यादा जंप भी नहीं करना पड़ेगा, हाथ फैलाएंगे आराम से बॉल बास्केट में डाल सकते हैं. तो एक्टोमार्फिक पर्सन जो होते हैं वो जो है ऐसे गेम में ज़्यादा सफल होते हैं. इसके बाद है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट टूल्स. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट टूल इज रिफर्ड एज द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स. इट इज यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन फिजिकल वेरिएशन एंड अटेम्प्ट टू कोलरेट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स. और ये चीज़ें जिन चीज़ों की हम मेजरमेंट करते हैं जाहिर सी बात है ये ज़रूरी भी हैं, तो इनको करने का बेनिफिट ये मिलता है कि हमें पता चल जाती है कि हमारी एक्चुअल हाइट क्या है, हमारी वेट क्या है, हमारे अंदर फैट की कितनी मात्रा है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ कितना है. तो इसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं जिनके थ्रू हम इसका मेजर करते हैं. तो मेजर करने के लिए वेरियस इक्विपमेंट को यूटिलाइज करते हैं. जैसे हाइट को मेजर करना है तो स्टडियोमीटर होता है. स्टडियोमीटर जैसे आपने हाई जंप किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक स्टैंड लगा होता है, उसमें एक स्टैंड बना होता है जो ऊपर से डालने के बाद आराम से छोड़ देते हैं, उसके हेड पे आपके रुक जाता है और आराम से हम मेजर कर लेते हैं. दूसरा होता है वेइंग मशीन. वेइंग मशीन के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई है कंप्यूटर बेस्ड, उस पर खड़े हुए नहीं कि तुरंत मशीन बता देती है कि आपका वेट कितना है. फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सोमीटर होता है और फ्लेक्सोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे हम फ्लेक्सिबिलिटी आराम से मेजर कर लेते हैं या नाप लेते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योग एक्टिविटी अगर हम करें तो उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ भी सकती है. बोन स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए बोन कैलिपर का यूज करते हैं. बोन कैलिपर आप जानते होंगे जैसे बर्नियर स्केल होता है उसी तरह बोन कैलिपर भी होता है. फैट के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर होता है, उस मशीन से हम फैट को आराम से मेजर कर लेते हैं. स्ट्रेंथ को भी हम स्किन फोल्ड कैलिपर से ही मेजर करते हैं. उसके बाद लास्ट वन है मस्कुलर स्ट्रेंथ. मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम डायनमोमीटर से करते हैं. इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे आपका धड़कन नापना हो या आपका रक्तचाप नापना हो या आपकी बीपी नापनी हो तो इसके लिए अलग अलग मशीन आती है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है. हम आराम से आके उस मशीन को लेके चेक कर सकते हैं जिनका डॉक्टर यूज करते हैं. पीथोस्कोप होता है जिससे हम आराम से बॉडी की कंडीशन को चेक कर सकते हैं. तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनके थ्रू हम अपनी बॉडी की कंडीशन को मेजर कर सकते हैं. जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट का यूज करके हम आराम से मेजर कर लेते हैं. एंड टूडेज होम असाइनमेंट विल बी एक्सप्लेन सेल्डन सोमेटोटाइप्स एंड सेकेंड असाइनमेंट डिफाइन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स टूल्स. थैंक यू सो मच.